अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। आज हो गई सुबह सुबह जुमे की, और कितनी मैं ज़बरदस्त रूटीन से व्लॉग बना रही हूँ, वो क्यों, और मैं इतनी खुश भी क्यों हूँ। बैकग्राउंड को इग्नोर करें, आपने इतना अच्छा मेरे इतनी देर बाद के व्लॉग को रिस्पॉन्स दिया है कि अगर आप ऐसे ही देते रहेंगे ना तो कसम से मैं एक भी दिन मिस नहीं करूँगी। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं कि उठे तो सोने पर सुहागा कि मुझे लगा कि काम वाली ने नहीं आना, तो मैंने कहा चलो भाई बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट किए तो भाई साहब काम वाली आ गई, तो लिहाजा मैं सारा कुछ उतें ही छाड़ देता ऐ प्याजे। तो बस फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं धोने लगी थी तो मैं साथ साथ मैंने कहा आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आज फ्राइडे है, तो मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी से ना सूट इस्त्री करें और नहा लें, बचे गए हुए स्कूल, इनके बाबा जो है वो ऊपर चले गए छत पर धूप वगैरह लेने के लिए। आजकल आपको पता सर्दियों में तो धूप लेने का अपना मजा है, तो मैंने कहा मैं तो नहा के ऊपर जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जनाब उठते ही ना मिल जाता गर्म पानी, फिर तो कम वालियाँ नहीं थे छाड़ दी बिल्कुल। तो बस यहाँ पर ये देखें इतना मज़े की धूप फुल, लेकिन कोई छत पर हवा होती है यकीन करें कि अगर धूप ना ना हो तो एक सेकंड भी हम छत पर नहीं बैठ सकते। और जी बात कर लेते हैं कल वाले व्लॉग के रिव्यूज़ और सॉरी व्यूज़ पर। मैं कहती हूँ इतना मज़ा आया ना मुझे उसके व्यूज़ पर कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतनी देर बाद मैंने व्लॉग जो है ना वो शेयर किया आप सबके साथ, आपको बड़ा पसंद आया और मैं बड़ी इंतहाई खुश हुई। इसीलिए मैंने कहा भाई टाइम से डाल दो भाई, लोग मुझे देखते हैं। तो बस अच्छा जी मियाँ साहब है ऊपर और मैं आ गई हूँ नीचे उनके लिए सैलड वाला बाउल बनाने के लिए। इस टाइम पर ना धूप में ये इसको कचालू कह लें कुछ भी कह लें, इसमें एप्पल अमरूद और अनार, आज केला नहीं है नहीं तो मैंने वो भी डाल दिया था, और साथ ही मैं डाल देती हूँ माल्टे का जूस। ये देखिए कितनी मज़े की बन जाती है। अब ये लेकर जनाब चलते हैं ऊपर। वालेकुम सलाम, धूप में हंसने का सलाम करना। हाँ पहले भी पढ़ लेते हैं जोहर की नमाज और नमाज के बाद देखते हैं अब आगे के व्लॉग में क्या क्या मिलेगा आपको। अच्छा भाई बच्चों को खाना पीना देने के बाद ना शाम हो गई थी, तो अयान की घर पहनने वाली ना जूती मतलब इतनी ठीक नहीं थी, काफ़ी देर से कह रहा था तो इनके बाबा ठीक नहीं थे तो मुझसे कहीं पर जाया ही नहीं जाता था। मैंने कहा भाई वो तो काम जो है ना ख़त्म करूँ, माशाल्लाह पाऊँ बच्चों के जो है ना इतनी जल्दी बड़े हो रहे होते, और यहाँ पर मेरा हाथ आ रहा था, बस इसको मैं अल नसर लेकर गई, वहाँ से फटाफट से जूती पकड़ी, बिल करवाया और जनाब घर वापस। आजकल मेरी दौड़ें ऐसे ही होती हैं कि मैं बिल्कुल घर से निकल नहीं सकती, तो यहाँ पर आकर थी जनाब मैं बना रही हूँ साबुदाना, मतलब कभी दलिया कभी साबुदाना वो बनाती रहती हूँ, बस आजकल ना घर में ये डिशें ज़्यादा चलती हैं। अच्छा भैया बात कर लेते हैं रजब की शादी की, क्या मैं कहती हूँ मज़ा आ रहा है ना सबको देखने का, मुझे तो इतनी खुशी होती है ना मज़ा आ रहा है उसकी शादी के फंक्शन देखने का। अब मैं यहाँ पर बारात के कुछ क्लिप्स अटैच कर रही हूँ, आप वो देखें जिन्होंने नहीं भी देखी हुई ना तो उनके लिए भी, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय। आप बैठे बैठे पीछे जो है यार की पागल है तुझे। यार बात से बना ले
अच्छा भाई, ये था आज का व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, और ऐसे ही आपने व्यूज़ देने हैं और मुझे वॉच करना है और एक फैमिली बनानी है हमने यूट्यूब में। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।